पुलिस की लापरवाही, 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक माह से भी अधिक समय में नहीं बरामद कर सकी थाना बनियाठेर पुलिस। दर दर भटकती रही बेटी की मां, हड़काते रहे दारोगा जी संजीव कुमार। मां की ममता ने बेटी की सलामती के लिए एसपी से गिड़गिड़ाते हुए की शिकायत। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला, बेटी और नारी जाति की सुरक्षा को भले ही वादे कर रही हो, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार के वादों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक अपनी 16 वर्षीय पुत्री की सलामती के लिए लगातार थाने के चक्कर काटते हुए थक चुकी हो और अंत में एसपी संभल यमुना प्रसाद का दरवाजा खटखटाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए मजबूर होना पड़े और एसआई द्वारा उसे हड़काया जा रहा हो, ऐसे थाना प्रशासन पर नारी सुरक्षा के नाम पर मात्र दिखावा ही कहा जा सकता है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि दारोगा जी का बगैर अनुमति के दरवाजा खोलकर जबरन घुसना और हमी से बेटी का मोबाइल नंबर मांगना और पता पूछना, जबकि मैं बार बार मोबाइल को मना करने के बावजूद भी हमारे साथ दारोगा द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता था। अंत में हार करके एसपी यमुना प्रसाद पुलिस अधीक्षक संभल से गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगाई है, जहां पर थाना बनियाठेर अध्यक्ष विकास सक्सेना को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद नहीं किया है। अशोक नगर, ये किस गांव के अंतर्गत आता है? अशोक नगर देवरखेरा है। देवरखेरा बनियाठेर जो संजीव दरोगा जी और पुलिस बाहर दो जने बार बार हमारे घर आ जाओ करें, बार बार आए और गेट खटखटाओ, क्यों ना क्यों खुल रही है, क्यों आर खुली मिली तो घर में सीधे चले आए, नंबर दे लड़की, नंबर चलाई नंबर दे, तो जब नंबर हम चलाई ना रही लड़की, जब हमें पता ना है लड़की नंबर चाहे तो कहाँ दे दें तुम्हें, और बार बार हमसे उनकी सूझी कह कह के चले जाओ करें, बार बार आओ करें। अरे तुझे अपनी लड़की की ना पता, तुझे अपनी लड़की की ना पता। एसपी साहब से जब आपकी मुलाकात हुई है आज, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्हें जो आश्वासन दिया है, बोले जाओ तुम्हारी मदद होगी, उन्हें भेजो, मैं बनियाठेर थाने में भेज दो, बोले जाओ तुम्हारी वहाँ मदद होगी, जाओ। उनके कहने के बाद आप बनियाठेर थाने गई, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्हें कुछ ना दिया, जो बोले मैं जा रहा हूँ उन्हें उन लोगों को पकड़ के लाऊंगा, फिर ना अभी कोई ना